औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसी को थोड़ा मोटी मोटी डिटेल में हम इसको जानेंगे कि एक्चुअली आईसी क्या होता है और इसमें ये किसी चीज़ से बना होता है, ये काम किस तरह करता है और इसका क्या बेसिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो की तरफ शुरू कर लेकर चलते हैं। ये हो गया एसी। आईसी का मतलब है, आप दोस्त देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है, फर्स्ट कि ये हमारा हो गया एक खेत, ठीक है दोस्तों, एक खेत में हो गया। इसमें बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत सारे पल के ट्री लगे हुए हैं, तो ये सारे एक खेत में लगे हुए हैं। तो इस ये सारे एक मतलब ये सारे इंटीग्रेटेड हैं एक खेत में, ठीक है दोस्तों। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है दोस्तों। ये मतलब आईसी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे एक आईसी के अंदर होते हैं और इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड। अगर फ़र्ज़ के हम हमारे एक खेत में केले की दरख्त भी लगी हुई हैं, आम की दरख्त भी लगी हुई हैं और माल्टे की दरख्त भी लगी हुई हैं, तो ये सारे एक खेत में हैं, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है दोस्तों। और सर्किट का क्या मतलब है? सर्किट का मतलब है हमारे पास, अगर आप देखें एक लाइट बल्ब है, हमने इसको एक बैटरी से नेगेटिव कनेक्ट किया और पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो ये सर्किट कम्प्लीट हो गया। या हमारा जो बल्ब है ना, तब जलेगा जब हम इसका सर्किट कम्प्लीट करेंगे। तो इस तरह ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, ये एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक सर्किट है, ठीक है दोस्तों, जिससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है? ये आईसी बहुत बना होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या होता है? ये सिलिकॉन जो हमारे रेगिस्तानी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर सैंड जो हमारे सैंड होते हैं ना, उसको फिल्टर करके उनसे कुछ चीज़ें निकालते हैं, वो होते होते सिलिकॉन, ठीक है दोस्तों। उसको बहुत सारा हीट दे के फिर इससे एक मतलब एक डिस्क सा बनाया जाता है, फिर उनसे छोटे छोटे उसको काट दिए जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो फिर उनसे एक आईसी तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस आईसी के अंदर एक्चुअली क्या होता है? एक इस आईसी के अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होता है? दो तीन या चार ट्रांजिस्टर मिलकर इसे एक लॉजिक गेट तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स आप इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि लॉजिक गेट्स क्या होता है और किस तरह काम करता है। लॉजिक गेट्स जो होता है ना, इसके दो टर्मिनल होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होते हैं, ठीक है दोस्तों। बाज़े लॉजिक गेट्स ऐसे होते हैं कि एक पर हम वोल्टेज दे देते हैं, दूसरे पर हम नहीं देते, तो ये हमको आउटपुट दे देगा। अगर बाज़े लॉजिक गेट्स ऐसे होते हैं कि हम दोनों पर वोल्टेज दे देते, इसके दोनों ले गए तो ये हमको मतलब वोल्टेज देगा, एक पर देगा तो नहीं देगा, एक पर दोनों पर देंगे तो नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह का कुछ फंक्शन होता है। ये दो तीन ट्रांजिस्टर मिलकर एक लॉजिक गेट तैयार किया जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा एंड और गेट एक्सक्लूसिव और गेट, इसके सारे ऊपर मैं एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। आज का हमारा सिर्फ टॉपिक है आईसी, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों एक आईसी के अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उन ट्रांजिस्टर को मिल करके इनसे लॉजिक गेट तैयार किए जाते हैं। फिर ये लॉजिक गेट्स है ना, इसके जो हमारे जो आईसी के पिन आउट होते हैं ना, इसको हम एक तरफ से हम मतलब वीवीसी देते वीवीसी वोल्टेज दे देते, दूसरी तरफ हम इसको ग्राउंड कर देते, तीसरी तरफ उनसे बस हम इसके जो पिन आउट होते हैं ना, तो इससे मुख्तलिफ़ फंक्शन के लिए हमको सिग्नल मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के ऊपर एक छोटा सा कट होता है, वो कट इसका मतलब ये है कि आपने इसका जो पिन आउट है ना, आपने इस तरफ से गिनना शुरू करना है, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का पिन आउट होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर सिंपल से मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि ट्रांजिस्टर एक स्विच होता है, एक स्विच तरह के काम करता है। किस तरह स्विच की तरह के काम करता है? यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रांजिस्टर ड्रा कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा एक ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये होता है फर्स्ट के, ये इसका होता है कलेक्टर, ये इसका होता है एमीटर, ठीक है दोस्तों। ये इसका होता है ड्रेन,
या गेट, ठीक है दोस्तों, इसको सोर्स, गेन, ड्रेट, ये सारे बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस पर हमने वोल्टेज दिया, फर्ज किया हमने इसके ऊपर 12 वोल्ट दिया, यहाँ पर हमको 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमको 0 वोल्ट मिल रहा है। इसका जो गेट है या इसका जो सेंटर लेके हैं, इसके ऊपर हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। फ़र्ज के हमने इसके ऊपर 5 वोल्ट अप्लाई किया रेजिस्टर के थ्रू, तो ये यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है, ये दो जंक्शन है ना, एन टाइप भी होते हैं, पी टाइप भी होते हैं। तो हमने इसके ऊपर इस लेग के साथ हमने 12 वोल्ट जॉइन किया, यहाँ पर हमको 0 वोल्ट मिल रहा है। तब तक जब हम इसको कोई इसके जो बेस है ना, इसको हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये एक मतलब ये एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, और इसका जो आउटपुट है ना, यहाँ पर हमको 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, इस तरह के हिसाब से हम मिलेगा जितना भी हम इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरी सिंपल तरीके से मैं ये बताऊँगा कि ट्रांजिस्टर इज़ अ स्विच, इसका सिर्फ ऑन ऑफ का काम है, ये सिर्फ ऑन ऑफ का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑन ऑफ किस तरह के शक्ल में होता है, डिजिटल में 10101010101, ये होता है ऑन ऑफ। क्या होता है ये 1010, ठीक है दोस्तों। तो ये सिग्नल की फॉर्म में होता है, लेकिन हमने लिखना इस तरह है, ये सिग्नल के फॉर्म में इस तरह होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो हमारा वोल्टेज है, यहाँ से मतलब शुरू हुआ 0 वोल्ट से, तो ये 220 वोल्ट पे चला गया, ये वापस फिर आ गया, ये नेगेटिव की तरफ आ गया, तो यहाँ पर हमको पीक पर 220 वोल्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर हमको 0 वोल्ट मिलते हैं। फिर ये चला गया, फिर ये 220 वोल्ट पे चला गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर हमको 0 वोल्ट मिलते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह का वैल्यू जो हमारा ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, तो ये भी इस तरह होता है कि ये जो इस तरह होता है, तो ये यहाँ पर मतलब 0 होता है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। ये सिग्नल के फॉर्म में होता है। अगर हमारा वीडियो भी आप देख ले, हमारा ऑडियो भी आप देख ले, हमारा मतलब जितने भी प्रोग्राम हैं आप, ये सारे ये डिजिटल सिग्नल के थ्रू होता है ना। तो आप देख सकते हैं, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इस लेक्चर में, व्हाट इज़ आईसी। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, एक आईसी चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर मिलकर एक सर्किट तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आईसी किस चीज़ से बना होता है, आईसी बना होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन सैंड में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे एक फिर आईसी के अंदर क्या होता है, आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर इसे लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर, एक या दो तीन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर मिलकर लॉजिक गेट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉजिक थ्रू गेट के ज़रिए हम एक आईसी को तैयार कर लेते हैं। लॉजिक गेट्स किस चीज़ से बनाए जाते हैं, लॉजिक गेट्स हमारे ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ट्रांजिस्टर का काम होता है ऑन ऑफ। सर्किट क्या होता है, सर्किट हमारा ऐसा होता है कि हमने एक बल्ब को बैटरी के प्लस माइनस के साथ जोड़ा, तो ये हमारा एक सर्किट कम्प्लीट हुआ। ये हमारा जो बल्ब है ना, इसने ग्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है, हो गया सर्किट, ये हो गया आईसी। इंशाल्लाह आप दोस्तों को थोड़ा पहले शुरू में आप दोस्तों को थोड़ा समझना ज़रूरी है, बाद में हम जाके डिटेल के साथ एक एक टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक टॉपिक तो एक वीडियो के साथ कवर नहीं हो जाता है, हम इसके ऊपर मज़ीद इस तरह की डिटेल वीडियो के साथ लाता रहेंगे, और दोस्तों को इंशाल्लाह आप दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा। और बस आज के लिए इतना ही, मज़ीद इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। वसलाम।